जाग गया। देखिए मैंने रावलपिंडी के लिए 14-14, 16-16 घंटे काम किया है। मैंने यहाँ रिंग रोड बनाया है, तो 2-4 डैम बनाया है, होली फैमिली हॉस्पिटल बनाया है, जिमखाना बनाया है, मैंने लारी अड्डे बनाए हैं, मजदूरों के लिए सेंटर बनाए हैं, मंशियात के अड्डे सेंटर बनाए हैं, सब कुछ मैं अपने मुल्क की बेहतरी के लिए करता रहूं। लेकिन आखिर पे मैंने जो इस मुल्क के पेट में छुरा घूमा है, मुझे वो सोने नहीं देता। मैं ये सुकून की मौत बर्बाद कर रहा हूं। बात कर रहा हूं जो मैंने जुल्म किया है, मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए। और बाकी भी इस जुल्म में जो लोग शामिल हैं, पुलिस भी शामिल है, पुलिस भी शामिल है, जो लोग आपके पुलिस भी शामिल है। कहता हूं कि मैं वो इलेक्शन ठीक नहीं करवा सका और मैं अपने ओहदे से यहां इस्तीफा दे रहा हूं। मैंने जो इस इलेक्शन में गलत काम किया है, रावलपिंडी के 13 MLA की सीटें जो हारी हुई लोगों को हमने जितवाया है, लोगों की 70,000 की लीड को हमने उनकी शिकस्त में बदला है, और आज भी हमारे लोग बैठ के जेली मोरे लगा रहे हैं। मैं माजरत चाहता हूं अपने तमाम रिटर्निंग ऑफिसर से जो मेरे मातहत काम कर रहे थे, जो बेचारे रो रहे थे जब मैं उनको कह रहा था कि आप ये काम गलत काम करें, और वो नहीं करना चाह रहे थे। मैंने इस मुल्क के या इस डिवीजन के साथ जो गलत काम किया है, मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक सोशल मीडिया का और इतना प्रेशर था कि मैंने आज सुबह की नमाज के बाद एक दफा मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने क्यों ना ये सारी चीजें आवाम के पास रखूं, मैं खुद क्यों हराम की मौत मरूं और मैं ये सारी चीजें आवाम के सामने क्यों ना रखूं। मैं इस क्रम में से गुजर रहा हूं, मेरी तमाम ब्यूरोक्रेसी से गुजारिश है कि आपने इन सियासी लोगों के लिए जो मुख्तलिफ शेरवानियां सुहा के मिनिस्टर बनने को फिर रहे हैं, इनके लिए कोई गलत काम न करें। हम लोग ये काम बर्दाश्त